हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंक PO क्लर्क, SSC, CHSL, CGL, CPO, RRB, NTPC, संविदा वर्क 3, UPSC एंड स्टेट PSC, तो यदि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि फुल कोर्सेज हैं। आपको किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन लेने की या पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों हमारे चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यदि आप डिफरेंट कोर्सेज की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो की भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इन केस यदि डिस्क्रिप्शन लिंक वर्क ना करे तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं नॉलेज स्काई और वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए क्लास टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ कि UPSC की क्लासेस टाइमिंग चल रही हैं। तो UPSC की क्लास टाइमिंग के लिए कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये रही कि करंट अफेयर आपको डेली सुबह 5 बजे मिल जाया करेगा, इंग्लिश की क्लासेस सुबह 10 बजे होंगी, हिस्ट्री जिसमें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ रहे हैं इस रात को 8 बजे मिला करेगा, और सॉरी आज की क्लास आपको थोड़ी सी लेट मिली उसके लिए, और पॉलिटी जो आपको 10 बजे रात को मिला करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटी की क्लास आज हमने स्किप की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये कल से आपको कंटिन्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम दोस्तों इससे पहले 3 क्लासेस डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम करीब 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत पे सिविल डिसओबीडियंस लॉ चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डांडी मार्च? डांडी मार्च से निम्न में से कौन सी मूवमेंट है जो स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में भी क्वेश्चन चाहिए, तो देखिए हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बायलिंगुअल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप यदि इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आप इसे समझते जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डांडी मार्च? डांडी मार्च से निम्न में से कौन सा जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसओबीडियंस लॉ। तो इसका मतलब यह है, सिविल डिसओबीडियंस लॉ जो हुआ था, मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था यहाँ पर, मतलब कि सरकार को जो ब्रिटिश सरकार थी उसे किसी भी तरह का समर्थन भारतीयों द्वारा नहीं दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लॉर्ड लिंगलिंगथ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस? निम्न में से कौन सा जो स्लोगन है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका अगेन सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द जय हिंद। और ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो यदि आपने कल के लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ाया तो डेफिनेटली आपको ये बन जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? निम्न में से किसने हिंद स्वराज किताब को लिखा था? तो हिंद स्वराज किताब को लिखा था महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज किताब को। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आपको याद रखना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और ये किसने की थी? ए
ओयूम ने की थी, इसकी स्थापना 1885 में, याद रखना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 1946 हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंट द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द फाइनेंस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जो 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसमें फाइनेंस के लिए किसने समिति में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान ने। जी हाँ दोस्तों, लियाकत अली खान ने इस काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टर्ड भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड। इनमें से किसके समय, किस वायसराय के समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के समय। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान ही भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी 1931 में। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट। भारतीय राष्ट्रीय, भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो यहाँ पर घटना कौन कौन सी, सैमन कमीशन, गया सेशन ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले गया सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, एक कॉशन देता हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये जो चार इंसिडेंट हैं, सैमन कमीशन, गया सेशन, त्रिपुरा सेशन और गांधी इरविन पैक्ट, तो इन चारों को आपको इनके ईयर वाइज ऑर्डर में जमाना है। जी हाँ दोस्तों, ईयर वाइज ऑर्डर में जमाना है और ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेंस रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज अंडर हुम कमांड। तो आज़ाद हिंद फौज के अंदर जो रानी झांसी रेजिमेंट थी वो किसके कमांड में थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के कमांड में थी, मतलब एनी बेसेंट इसको लीड कर रही थी, किसे, रानी झांसी रेजिमेंट को। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग में किसे प्रेसिडेंट चुना गया था इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमीशन। निम्न में से कौन कैबिनेट कमीशन का मेंबर नहीं था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रैडक्लिफ। जी हाँ दोस्तों, रैडक्लिफ इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट वॉज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड द थर्ड राउंड टेबल कमीशन। गोलमेज सम्मेलन में के द्वितीय और तृतीय संस्करण में निम्न में से किस उर्दू पोएट को, कवि को बुलाया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल जो कि उर्दू के कवि हैं, इन्हें द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज दी गोलमेज सम्मेलन इन हिंदी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कराया था, तो दो राज्य बने थे, दो संघ बने थे। संविधान की भाषा में कहीं भी आपको राष्ट्र नहीं मिलेगा, राज्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ राज्य से संविधान का तात्पर्य होता है राष्ट्र का, देश का, राज्य का नहीं। ठीक है, जिसे हम स्टेट बोलते हैं, तो जब संविधान में स्टेट या फिर राज्य शब्द बोला जाता है तो इसका मतलब होता है उस कंट्री से, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय भारत एक अलग राज्य था और पाकिस्तान एक अलग राज्य था। तो यदि भारत में वायसराय बना है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में भी कोई वायसराय बना होगा, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे तो उस समय पाकिस्तान में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट वाज द एम ए जिन्ना। ठीक है दोस्तों, एम ए
जिन्ना आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मास्कर ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करी थी शांति से सभा कर रहे हुए व्यक्तियों के ऊपर। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि सरकार का सॉरी इंडियन सिटीजन्स का प्रेशर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेशर था, तो उसे देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार उसने कमेटी बनाई थी जिसके जिसको की जांच करनी थी। तो ये कमेटी को किसने हेड किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दी हंटर कमीशन, दैट इज़ दी हंटर कमीशन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय एंड दैट इज दी पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी, जयप्रकाश नारायण बिलोंग्स टू विच पार्टी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फॉलोइंग शॉट डेड गवर्नर, हु वॉज द शॉट डेड जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मास्केयर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की मदद करी थी उन्हें ये जानकारी देने में, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाय, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व था, वो किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या इसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मंत्रा डू और डाई गिवन बाय, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस नारे को दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और आपको ये मुझे बताना है कि करो या मरो का नारा किस मूवमेंट में दिया गया था, किस आंदोलन में दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए आपको दो क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक क्वेश्चन जिसमें आपको ऑर्डर में अरेंज करके देने हैं मूवमेंट को, दूसरा क्वेश्चन ये कि डू और डाई जो कि महात्मा गांधी ने दिया था ये किस आंदोलन के अंतर्गत दिया था, किस मूवमेंट में इस डायलॉग को दिया था, दैट डू और डाई। तो यहाँ पर हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।